हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल द नॉलेज स्कूप में। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं। आप सामने दिख रहा होगा विजुअल आर्ट्स फैकल्टी, और ये हम क्वारंटाइन कोरोना COVID-19 के लॉकडाउन में ये शूट कर रहे हैं। सो ये है आपका अगल बगल का व्यू, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये है आपका विजुअल आर्ट्स फैकल्टी, हल्की फुल्की गार्डनिंग की गई है और काफ़ी सुंदर, और काफ़ी ये मतलब अपने दृश्य कला के लिए जानी जाती है। मतलब संगीत वंगीत इसमें नहीं आते हैं, इसमें विजुअल आर्ट आते हैं, फाइन आर्ट्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेंटिंग और सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और अगर अब देखने की कोशिश करो तो काफ़ी लंबा चौड़ा फैकल्टी और लोकेशन, वाह, अति उत्तम, बहुत अच्छा लोकेशन है, ब्यूटीफुल। और ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, चित्र और मूर्तियाँ, ये छात्रों द्वारा बनाई गई हैं, स्टूडेंट द्वारा बनाई गई हैं। और ये हर एक पोल के नीचे मूर्ति रखी हुई है, ऐसे ही काफ़ी शांत माहौल है अभी कोविड की वजह से। और वैसे भी BHU में यूनिवर्सिटी का गेट बंद हो जाता है, काफ़ी कमी लोग आते हैं अंदर। कुछ ऐसा दृश्य है, आपको देखना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ के कुछ सब्जेक्टिव चीज़ों की, जैसे कि जो काम आज तक हुआ है, तो ये काम आप देख सकते हैं, ये सब स्टूडेंट ने बनाया है, आप इनको एक बार ज़रूर ध्यान दें। बारी बारी में करके ये चीज़ें, एक चीज़ मुझे दिखी जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। महामना कला वेदिका है ये आर्ट गैलरी। तो आप इस आर्ट गैलरी में जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं मालवीय जी के समय की, और नई भी चीज़ें कलेक्शन ऐड होते हैं। इन पे ध्यान दिया आपने? इनकम्प्लीट है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। ये पीसी मतलब प्राइवेट कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर नहीं, PC स्टैंड फॉर फिज़िकली चैलेंज स्टूडेंट, जो कि स्ट्रेचर व्हील चेयर से चलते हैं ना, तो उनको ऊपर जाने में काफ़ी सुविधा होती है। उधर CD बना हुआ है इसलिए उधर से नहीं जा सकते। ये हैं जो चीज़ें हैं, ये स्टूडेंट द्वारा बनाई गई हैं। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये यहाँ पे सिर्फ रखी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस पर चिपकाया गया हो। आप इसको ध्यान दे रहे हैं, ये पत्थर के बीच में अलग कुछ चीज़ें हैं, मतलब इसको मैं अलग चीज़ें हैं, ये कुछ अलग, अब क्या अलग यूज़ किया गया है आई डोंट नो, बट इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये हमारे वाइस चांसलर जा रहे हैं, जाने दीजिए, क्या ज़रूरत है। काफ़ी अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, JNU से आया है और काफ़ी यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिखते नहीं हैं कभी भी जल्दी, सर बहुत अंडरग्राउंड रहते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि नहीं, काफ़ी अच्छा। कन्हैया कुमार जब अपना प्रोटेस्ट किया था तो मतलब वो जो नारे लगे थे उसमें कमेटी का चेयरमैन या फिर कमेटी का अध्यक्ष जो बोला जाता है, वो हमारे वाइस चांसलर सर थे, और कौन होगा। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं बना करके रखी गई हैं, और आपको ध्यान देना चाहिए। काफ़ी एक मतलब एक अद्भुत माहौल है यहाँ पे, अगर आप पढ़ने लिखने आओगे तो काफ़ी आपको समझ में आएगी ये चीज़ें, अलग ही मज़ा है मेन कैंपस का। ये आकृतियाँ हैं, सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, और ये सारे स्टूडेंट ने बनाया है, सब चीज़ें स्टूडेंट ने कवर किया है। तो अपना मेन मोटो इस वीडियो में यही था कि आपको मैं दिखाऊं कि कैसा है विजुअल आर्ट्स फैकल्टी। आप फॉर्म भरते हैं, क्यूरियस होते हैं, कहाँ आपको काउंसलिंग के लिए आना है, कहाँ आपको चीज़ें देखनी है, तो ये सब चीज़ें आर्ट्स कला संकाय विजुअल आर्ट्स की चीज़ें हैं।
इस बिल्डिंग में आपको काउंसलिंग के लिए भी इसी बिल्डिंग में आना होगा, और ये एक तरह से मधुबन के बाद संगीत भी वोकल आर्ट्स के बाद इसकी ही बिल्डिंग एक तरह से पड़ती है। ये मेन एंट्रेंस गेट एक इधर से एक उधर से भी है ना, ये घुसने का दरवाज़ा एक इधर से एक उधर से भी है ना। मेन एंट्री यहीं से होती है, मेन एंट्री बंद है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया कब खुलेगा ये? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया कब खुलेगा ये डिपार्टमेंट या फैकल्टी? खुला तो था, बंद था, बंद हो गया। कब बंद हुआ, कब खुला था? 5-10 बजे खुलता, 5 बजे बंद हो गया था। ऑफिशियल चीज़ें चल रही हैं? ऑफिशियल तो बाबू लोग आ ही रहे हैं। बाबू लोग आ रहे हैं, ऑफिस वर्क चल रहा होगा। ये एक मतलब सेपरेटली एक बनाया गया था, ये ऐसा कुछ नहीं है, एक दीवार पे आकृति बनानी थी तो एक दीवार को ही पूरा चुना गया और यहीं पे था बाहर ही। मतलब ये मेन गेट से निकलेंगे तो आप यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखेंगी। ये है पूरा विजुअल आर्ट्स, पीछे गैलरी, आर्ट गैलरी, आगे जाके वहाँ पे स्कल्पचर और मूर्तियाँ वूर्तियाँ रखी रहती हैं, सब बंद है। फील्ड में सब गिरा फिरा है, सब मच्छर। अब कोरोना में जितना आदमी दिखा सकता है छात्रों को उतना दिखा दे। तो आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? हाँ भैया, हम ड्यूटी करते हैं यहाँ का। मतलब पहले जो छात्र आते थे पढ़ाई करने, उस समय क्या माहौल था, इस समय क्या माहौल है, आपको मतलब क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव तो ये है कि इसमें बंद है, कोई मतलब नहीं बनता। मन लग रहा है आप लोगों का काम करने में या फिर कुछ अलग लग रहा है? ड्यूटी तो हम लोग करना है, ड्यूटी करना ही है, ड्यूटी करना है। एक होता था ना कि जब स्टूडेंट आते हैं क्लास करते हैं तो कुछ परेशानी होती है, कभी कभी दिमाग मनोरंजन में रहता है, उन लोगों की वजह से खुश रहता है, बच्चे हैं तो ऐसा। उस समय से इस समय से कुछ अंतर लग रहा है आपको? अंतर तो ही भाई, बंद है तो अंतर तो ही है। अंतर तो है ही अंतर। सही, ये है विजुअल आर्ट्स फैकल्टी, दृश्य कला संकाय, और यहाँ पे अब अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको मैंने जितना तक बोला था एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बिल्डिंग कैसा है, काउंसलिंग के लिए आपको कहाँ पे आना है, ये सब चीज़ें पूरी श्योर हो गई आपको कि यहीं पे चीज़ें हैं सब कुछ, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, वेल मैनर्ड आपको वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है, कुछ नए तरीके से नहीं रखा गया है मेरे लिए। तो ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आप इसको ज़रूर देखें। ओके चाचा, धन्यवाद। कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताएंगे? मैं भी स्टूडेंट हूँ यहीं का। अच्छा, बस थोड़ा सा कवर कर रहा था। अच्छा, अगर आप इस गेट से, अगर गेट खुला होता तो इस गेट से हम लोग बाहर निकलते, लेकिन जिस गेट मैं इधर ही से आया था, माफ़ करना, ये नीचे से, यहाँ से डॉगी के कुत्ते वत्ते निकल जाते हैं, अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सो आराम से एकदम, अगर आप विजुअल आर्ट्स से बाहर निकलेंगे अपने फैकल्टी से तो आपको कुछ ऐसा रोड मिलेगा। मतलब ये मेन एंट्रेंस गेट है, आप इस गेट से निकलते ही आप इधर जाने को रास्ता मिलेगा, आगे जाके लॉ फैकल्टी है आपका, और इधर आपका त्रिवेणी और चौराहा आता है, आगे जाके मधुबन पड़ता है। तो आप इससे इतने से जान सकते हो कि आप लोकेशन का थोड़ा सा अंदाज़ा दिमाग में आप मैप बना सकते हो। सो इसी के साथ